हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों, आज हम लोग -6 का पेपर 2, फिजिक्स का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो शुरू करें। सेक्शन ए, इसमें देखो पहले तो 4 सिंगल करेक्ट हैं, उसके बाद 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड दो दो क्वेश्चन हैं, सब में एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, अ वॉल इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ए एंड बी ऑफ सेम थिकनेस बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एज शोन। ठीक है, फिगर गिवन है बच्चों, ये ए है और ये बी, दोनों के लिए थिकनेस सेम दिया हुआ है लेकिन मटेरियल अलग अलग है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज थ्राइस दैट ऑफ बी, यानी यहाँ पर हम लोग 3K लिख दें, यहाँ पर K। इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 36 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए इज, इन दोनों के बीच 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। हम लोग इस जंक्शन को T मान लें टेम्परेचर, तो जो T की वैल्यू होगी वही A के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी होगा। देखो ये दोनों सीरीज में है, हीट करेंट दोनों से जो फ्लो होगा इक्वल, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इधर से हीट करंट जाएगा ना, 36 - T इंटू के, एरिया को ए लिख दें, लेंथ एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा T-0, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी 3K, एरिया ए, लेंथ एल, के ए और एल ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आप लिख सकते हो 36 = T और ये 3T, यानी कि 4T, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 9 आ जाएगी ना, 9। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDA विच इज शोन बाय प्रेशर डेंसिटी कर्व, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। पहले तो देखो हमें एक ग्राफ दिया है बच्चों प्रेशर डेंसिटी का, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर डेंसिटी है, ऐसे एक ग्राफ है। ABCD, ठीक है, यहाँ पर ρ1 ρ2, तो प्रेशर डेंसिटी का ग्राफ है। हम लोग इसको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले लिखा वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस B2C। देखो बच्चों डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। आप एक इक्वेशन लिख सकते हो ना, PV = nRT, अगर आप यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो PM = nmRT, n रो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, n की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ पर m0 आ जाएगा, यानी मोलर मास आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, P/ρ को आप RT/m0 लिख सकते हो। ठीक है ना बच्चों, अब इसका ग्राफ देखें जरा। देखो इस ग्राफ में अगर हम लोग बात करें ए से बी में प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट है ना, यानी टी कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, A to B आइसोथर्मल प्रोसेस, डेंसिटी कम हो रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, एक्सपेंशन। फिर बी से सी आइसोकोरिक प्रोसेस, सी से डी, यहां भी देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है
लेकिन डेंसिटी बढ़ रहा है यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा, ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा, और डी से ए फिर से आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, देखो पहले ऑप्शन में लिखा है वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस बी सी इज जीरो, बी टू सी आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, ऑप्शन वन करेक्ट हो गया। अच्छा हमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट क्या लिखा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए विच इज शोन बाय द प्रेशर डेंसिटी कर्व, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है ना बच्चों, करेक्ट। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें, क्या लिखा, वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस सी टू डी, सी से डी में देखो ये कौन सा प्रोसेस है, कॉम्प्रेशन है, ठीक है ना, कॉम्प्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है और ये लिखा है सही है। थर्ड में लिखा है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉइंट सी, ए का एनर्जी सी से ज़्यादा लिखा है, इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर के लिए देखो बच्चों, पी बाई रो, टेम्परेचर सी का ज़्यादा होगा ना, सी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सी की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि इसमें लिखा है ए की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, तो थर्ड इसका गलत है, हमें आंसर कौन सा करना होगा, थर्ड वाला। फोर्थ में क्या लिखा है, नेट वर्क डन बाय द गैस इन द साइकिल इज नेगेटिव, नेट वर्क डन की बात करें तो देखो ये प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ है, अगर आप वॉल्यूम के साथ ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाए कि नेट वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है, या आप ऐसे देख लो, इसमें वर्क डन जीरो, इसमें वर्क डन जीरो, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है ना, यहाँ सी से डी जब जा रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर पर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्म अगर बनाओगे आप पी वी, तो सी डी का जो आइसोथर्म बनेगा वो दूर बनेगा, ए बी का आइसोथर्म पास में बनेगा, सी से डी वॉल्यूम डेंसिटी बढ़ा वॉल्यूम घटेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा बच्चों, सी डी यहाँ ए यहाँ बी, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया यानी कि वर्क डन नेगेटिव होगा, नेट वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान हो तो आपको, अगर पी वी डायग्राम आप बनाते हो बच्चों, पी वी डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस है, अगर क्लॉकवाइज तो नेट वर्क डन पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नेट वर्क डन नेगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, नेट वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है, तो इसका सिर्फ थर्ड आंसर हमें आंसर करना है। अब थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में इसको मिटाते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस बाय इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर कैन बी स्टॉप्ड बिफोर ट्रेवलिंग 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम, वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इज, हमें वर्क फंक्शन बताना है बच्चों। सबसे पहले तो देखो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू वी, ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन के लिए एच सी बाय लेमडा इक्वल्स टू 5 प्लस ई कैपिटल ई टी, ये लिख दिया। लेमडा की वैल्यू देखो गिवन है बच्चों, नैनोमीटर में है, 200 नैनोमीटर, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ई को ई रहने देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4 और डिस्टेंस है 1, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6.2, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 5 प्लस
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आ रहा है ना, 4 × 1 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर लिखोगे जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज A1 एट टाइम T1 एंड A2 एट टाइम T2, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। इट्स मीन लाइफ इज T, मीन लाइफ T दिया हुआ है, तो हमें एक्टिविटी बताना है। मीन लाइफ यानी लैम्डा की वैल्यू T गिवन है, ये होता है ना मीन लाइफ 1/लैम्डा होता है, 1/लैम्डा की वैल्यू T गिवन है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी ए को हम लोग लिखते हैं A0 e^-λT, तो A1 को A0 e^-λ के बदले हम लोग कैपिटल T लिख देते हैं, T1/T, और A2 हो जाएगा A0 e^-T2/T, ठीक है। अब A2/A1 अगर लिख दें क्या आ जाएगा, A0 कट जाएगा e^, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी T1 − T2/T। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, A2 = A1 × e^T1 − T2/T, और ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, ठीक है ना। A1 T1 और A2 T2 तो होंगे नहीं इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर A1 − A2/T2 − T1, ये भी सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी नहीं मैच करेगा, सिर्फ एक ही आंसर मैच कर रहा है थर्ड, ठीक है। अब हम लोग पैसेज में आएंगे, पैराग्राफ, इसको मिटाते बच्चों। पैराग्राफ 1 इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। देखो इसमें पहले तो फिगर जो दिया है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट ओ मान लो, यहाँ पर ये α1 y1 α2 y2, और दोनों का लेंथ L0 दिया है, ठीक है। ऐसा लिखा है, देखो पैराग्राफ में क्या लिखा है, टू वायर्स वन एंड टू ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया A = 10 mm². ऐसा लिख सकते हैं ना, मिलीमीटर को मीटर में, एंड द सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टूगेदर एंड देयर एंड्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड बिटवीन टू वॉल्स एज शोन, द रेस्पेक्टिव यंग्स मॉडुलस एंड लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आर y1 y2 और α1 α2 की वैल्यू गिवन है। हम लोग y1 कहीं यहाँ लिख देते हैं, y1 दिया है 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और y2 इसका डबल है, y1 y2 हो गया, फिर α1 और α2, α2 हाफ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ में लिखा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड बाय 20 °C देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट ओ इन सेंटीमीटर इज, हमें इस पूरे, मान लो ये है जॉइंट, ये यहाँ से हम लोग मान लें कि x डिस्टेंस तक इधर शिफ्ट हुआ, टेम्परेचर को क्या किया, कम किया है, 20 °C कम कर दिया, ठीक है। तो देखो ध्यान देना बच्चों, पहले इसका लेंथ था L1,
लेंथ एल वन, क्रॉस सेक्शनल देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू स्ट्रेन, ये हो जाएगा ना फोर्स, ध्यान देना बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग लिखते हैं स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, फॉर्मूला होता है ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एल इंटू यंग्स मॉडुलस ए बाई एल, ठीक है। तो y1 पहले वायर के लिए, फिर एरिया तो दोनों के लिए सेम ही है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या बच्चों, ठीक है ना, ये इधर चला गया। तो इस तरफ डिस्प्लेस होने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो चेंज होना चाहिए था उसमें एक्चुअली एक्स कम हो जाएगा, इसमें एक्स चेंज बढ़ जाएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर कम किया गया, ध्यान देना यहाँ, टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या होगा कि एक्चुअली लेंथ को कम होना चाहिए, ये तो बढ़ गया ना, हम लोग इधर मान रहे हैं शिफ्ट हुआ, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिख देते हैं। फिर उस टेम्परेचर पर लेंथ क्या हो जाएगा, एल नॉट प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये फोर्स लग रहा है इस पर और इस पर जो फोर्स लगेगा, दोनों वायर सीरीज में है तो टेंशन सेम होगा, तो हम लोग टेंशन को इक्वल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ वाई टू ए एल नॉट एल्फा टू डेल्टा टी माइनस यहाँ प्लस एक्स बाय एल टू इंटू एल नॉट प्लस एल्फा वन है यहाँ पर एल्फा टू डेल्टा टी। सॉल्व करने के बाद वैल्यूज गिवन है, देखो तो ए कट जाएगा, बाकी सबको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, ठीक है ना, यानी फिफ्थ का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसी में सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, टेंशन इन ईच वायर, ये टर्म क्या है, टेंशन ही है, तो टेंशन हम लोग लिख सकते हैं, टेंशन को एफ से डिनोट कर दें, ये हो जाएगा वाई वन ए इंटू एल नॉट एल्फा वन डेल्टा टी, एक्स तो ज़ीरो है तो एक्स को लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर ये टर्म एल वन और ये एल नॉट वन आएगा ना, यहाँ वन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा वन डेल्टा टी, अब ये टर्म क्योंकि एल्फा डेल्टा टी बहुत ही कम है, इस टर्म को नेगलेक्ट कर दो, एल नॉट कट जाएगा, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वाई वन ए एल्फा वन डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है, वाई वन गिवन है, ठीक है, एरिया गिवन है, और कुछ चाहिए, एल्फा वन वाई वन ए डेल्टा टी, पुट करके देखो तो कितना आ रहा है, y1 की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 10 टू दी पावर 9 है, a a की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 5 लिख देते हैं, अल्फा वन ये है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और डेल्टा t है 20 है, 549 ये कट गया, 120 आ गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ सिक्स्थ सॉल्व हो गए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब सेकंड पैराग्राफ जिससे रिलेटेड है सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन, तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये डेंसिटी है,
ऐसा एक साइक्लिक प्रोसेस दिया है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी यू विथ डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन डेंसिटी के साथ दिया हुआ है, ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल ए बी सी ए, हेंस हियर प्रोसेस ए बी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या है बच्चों, यू इंटू रो कॉन्स्टेंट हो जाएगा फॉर ए टू बी एनर्जी और डेंसिटी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, जैसे पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है ना, वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं, पी वी ग्राफ, वी टी ग्राफ और पी टी ग्राफ। हमें बताना है इनकरेक्ट डायग्राम कौन सा है। ध्यान देना बच्चों, देखो पी वी ही दो ग्राफ अलग अलग दिए हुए हैं, फर्स्ट में भी पी वी ग्राफ है, सेकंड में भी पी वी ग्राफ है। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई एक इनकरेक्ट होगा, थर्ड फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसमें आंसर करने के लिए, तो फर्स्ट सेकंड को ही चेक कर लेते हैं। हालांकि आप थर्ड फोर्थ भी चेक कर सकते हो, सब के सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए से बी के लिए। ए से बी के लिए एनर्जी और डेंसिटी कांस्टेंट है, एनर्जी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है, और डेंसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। यानी ए से बी आप कह सकते हो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा ए टू बी। फिर हम लोग बी से सी की बात करते हैं, बी से सी डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक। फिर सी से ए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले में ए से बी आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक ग्राफ में भी दिया हुआ है। बी से सी आइसोकोरिक प्रोसेस है, ग्राफ में भी आइसोकोरिक है। फिर सी से ए आइसोथर्मल, ग्राफ में भी आइसोथर्मल। पहला करेक्ट है, जाहिर सी बात है दूसरा इनकरेक्ट होगा क्योंकि दोनों पी वी ग्राफ ही थे। तीसरे ऑप्शन में देखो बच्चों, ए बी आइसोबैरिक प्रोसेस है तो वी टी के समानुपाती आएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ना, ऑप्शन में लिख के आपको बता देता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ए बी सी। देखो ए से बी वी प्रोपोर्शनल टू टी है यानी प्रेशर कांस्टेंट, फिर बी से सी आइसोकोरिक प्रोसेस है वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर सी से ए थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस है टेम्परेचर कांस्टेंट। सही है ना, इसी तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक करोगे सही आएगा, यानी कि इनकरेक्ट कौन सा है, सेवन्थ का सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इसको मिटाते हैं। 8 बी सी से रिलेटेड है, एट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। सबसे पहले वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस ए बी, ए बी ए से बी में जो वर्क डन है वो -2U0 के इक्वल है। हमें इसमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो पहले चेक कर लेते हैं करेक्ट कौन कौन सा है। ए से बी के लिए वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी पी
डेल्टा टी ये क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पी डेल्टा वी लिख देते ना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी ही लिखा है, पी डेल्टा वी, पी तो कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी देखो तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मोनोएटॉमिक है तो इसको एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या बच्चों? ठीक है, पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी, एन की वैल्यू वन है, आर डेल्टा टी, डेल्टा टी को कहाँ पे लिखे, टेम्परेचर यहाँ पर कितना, थ्री टी नॉट का चेंज आ रहा है, थ्री टी नॉट देख लो ना आप, यू नॉट को एन आर टी नॉट लिख देना, एन सी वी टी नॉट इस तरीके से, ठीक है, मैं लिख करके समझाता हूँ, रुक जाओ, देखो बच्चों ध्यान देना, तो पी डेल्टा वी लिखा ना, एन आर डेल्टा टी, ए से बी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ए से बी में देखो इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, तो ये डेल्टा टी भी नेगेटिव में आ जाएगा, एन की वैल्यू वन है या अभी एन ही रहने दो, तो माइनस थ्री एन आर टी नॉट हो गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और यू नॉट को हम लोग मान लेते हैं एन सी वी डेल्टा टी, तो सी वी क्या हो जाएगा मोनोएटॉमिक के लिए, थ्री बाई टू लिख सकते हैं, थ्री बाई टू एन आर टी नॉट, तो देखो तो ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, पहले ऑप्शन में लिखा है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, आप इसको माइनस थ्री एन आर टी नॉट है तो माइनस टू यू नॉट लिख सकते हो ना, माइनस टू यू नॉट, और पहले में यही लिखा है, पहला ऑप्शन सही है, हमें सही आंसर नहीं करना है, ठीक है ना बच्चों, जो गलत है वो आंसर करना है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में लिखा है वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस बी सी, बी से सी डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन जीरो, ये भी सही है ना, इसको भी आंसर नहीं करेंगे। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में लिखा है नेट वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग वन साइकिल इज, नेट वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो ए से बी मिल गया, बी से सी मिल गया, अब सी से ए का भी वर्क डन फाइंड कर लेते हैं ना, सी से ए देखो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, एन आर टी, टेम्परेचर फाइव टी नॉट लिख दें, फाइव यू नॉट के करस्पॉन्डिंग, फिर लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल होता है, डेंसिटी के टर्म में लिखे तो उल्टा हो जाएगा ना, रो इनिशियल बाय रो फाइनल, ये समझ में आए बच्चों, फॉर्मूले में वी फाइनल बाय वी इनिशियल होता है, यानी बाद का हम लोग ऊपर लिखते हैं, और वॉल्यूम डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर मास को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियल डेंसिटी लिख दिया, इनिशियल डेंसिटी क्या है देखो तो फाइव रो नॉट होगा, और यहाँ पर फाइनल डेंसिटी क्या है टू रो नॉट, रेशियो हो जाएगा फाइव बाई टू, फाइव को अलग कर देते हैं एन आर टी नॉट, एन आर टी नॉट को टू यू नॉट बाई थ्री लिख सकते ना, फिर लॉग फाइव बाई टू यानी टू पॉइंट फाइव, ठीक है, ये हो जाएगा टेन बाई थ्री, टेन बाई थ्री यू नॉट लॉग टू पॉइंट फाइव। अब हमें क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए थर्ड में, तो टोटल एनर्जी में ये और ये टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए तीनों को प्लस करना होगा, थर्ड में लिखा है नेट वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल, टोटल वर्क डन में ये तो जीरो है, इसको आप प्लस करोगे तो माइनस यू नॉट कॉमन आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, नेट वर्क डन में टेन बाई थ्री लॉग टू पॉइंट फाइव माइनस टू यू नॉट, इतना नेट वर्क डन हो जाएगा, ठीक है,
साइक्लिक प्रोसेस है डेल्टा यू जीरो, तो इतना ही हीट एनर्जी भी होगा। थर्ड आंसर भी देखो तो थर्ड में यही लिखा है ना बच्चों, थर्ड करेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या लिखा है, हीट सप्लाई टू द गैस ड्यूरिंग प्रोसेस सी टू ए, सी से ए की बात कर रहे हैं तो सी से ए में डेल्टा यू जीरो है, जो वर्क डन होगा उसी के बराबर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। वर्क डन कितना है, इसके बराबर है, ठीक है ना। माइनस वन वाला टर्म तो आना नहीं चाहिए, फोर्थ में माइनस वन लिखा है यानी फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। तो एट्थ का करेक्ट आंसर जो इनकरेक्ट है वही आंसर करना है फोर्थ, ठीक है, ये एट्थ हो गया। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9-10 के लिए देखें, अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है। इन अ हाइपोथेटिकल एटम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e एंड मास 3m रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रोटोन, हेयर e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड m इज इलेक्ट्रॉनिक मास। मास ऑफ प्रोटोन मे बी अज्यूम्ड टू बी मच लार्जर देन द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दस द प्रोटोन इज एट रेस्ट, उसको हम लोग रेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। दिस एटम ऑबे बोर्स पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, टू एन एच बाई टू पाई, इसके यानी कि जो हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं ना बोर्स पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम, वो एच बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल वो भी फॉलो कर रहा है। इट इज गिवन दैट फॉर द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज आर नॉट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी नॉट एंड टोटल एनर्जी इज ई नॉट, ठीक है। उसके बाद 9th और 10th दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हमने उसको कलेक्ट कर लें। नाइन्थ में क्या फाइंड करना है, मोमेंटम ऑफ द एमिटेड फोटोन व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक अगर एक्साइट ये हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है पार्टिकल का, तो उस कंडीशन में हमें मोमेंटम एमिटेड फोटोन का मोमेंटम बताना है नाइन्थ क्वेश्चन में, और टेंथ में बताना है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ दिस हाइपोथेटिकल एटम। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख दें कि यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज को कुछ मान लें बीटा ई मान लेते हैं, मास को बीटा एम मान लेते हैं, बीटा की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है ना बच्चों, 3e 3m, रेडियस आर, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर, यानी हम लोग m बीटा है ना, एम वी स्क्वेयर बाई आर को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 यहाँ पर चार्ज ई, फिर यहाँ पर बीटा ई, Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। अब देखो तो बीटा से बीटा कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वेयर आर, ये के ई स्क्वेयर यानी बीटा से इंडिपेंडेंट हो गया एक इक्वेशन। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी आर, ये एन एच बाई टू पाई। अब दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें 1/2, तो इधर तो वी बचेगा वी बाई एल्फा, इधर कांस्टेंट टर्म आएगा कांस्टेंट जो वी नॉट था, तो वी की वैल्यू एल्फा वी नॉट, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। एन के टर्म में आएगा वो तो अलग बात है, एन तो नंबर है ऑर्बिट का, अल्फा एन वी नॉट ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए वी नॉट दिया था ना ग्राउंड स्टेट में, तो एन आ रहा है और तो कहीं एन नहीं आ रहा, ये आ गया एक रिलेशन। अब अगर हम लोग इसमें वी की वैल्यू पुट कर दे बच्चों, तो आर देखो क्या हो जाएगा, एक अल्फा और यहाँ पर भी अल्फा, अल्फा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना, तो आर नॉट बाय अल्फा नहीं है बीटा है ना, अल्फा कैसे लिख दिया, बीटा,
यहाँ पर वी नॉट बाई बीटा, यहाँ भी बीटा हो जाएगा ना। तो जनरली क्या होता है, आर इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर होता है बाय बीटा आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर लिखोगे तो बीटा स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, एक बीटा पहले से है, वी प्रोपोर्शनल टू बीटा है, तो यहाँ का बीटा बीटा स्क्वायर, फिर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम लोग बोर्स पॉस्टुलेट में आपने पढ़ा होगा, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। बस हमें सिर्फ देखना है कि मास और चार्ज को बदलने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो मास को बदल दिया था, वी पे क्या फ़र्क पड़ा, बीटा टाइम्स हो गया, यानी थ्री टाइम्स हो जाएगा। आर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नाइन, हम लोग इसको थ्री एन बीटा नॉट लिख देंगे, और ये हो जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर नाइन, ठीक है। और एनर्जी भी बात करते हैं, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, यानी आप यहाँ पर क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम के बदले बीटा एम, और वी प्रोपोर्शनल टू बीटा है तो बीटा स्क्वायर बीटा वी नॉट, ठीक है ना बच्चों। यानी कि जो एनर्जी होगी, हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, बीटा क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, एम वी स्क्वायर, तो वी प्रोपोर्शनल टू बीटा और एम भी बीटा, तो बीटा क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ई नॉट बाई एन स्क्वायर तो होता ही है, ई नॉट बाई एन स्क्वायर, बस हमारा काम हो गया। अब हम लोग 9, 10 दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या फाइंड करना था, 9th में लिखा था मोमेंटम ऑफ एन इमिटेड फोटोन व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, 27 ई नॉट, थर्ड ऑर्बिट 9, और ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, 27 ई नॉट बाई 1, ये हो जाएगा 3 ई नॉट। नेगेटिव में तो आता है ना, ई नॉट की वैल्यू -13.6 लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा ई की बात करें बच्चों, यहाँ माइनस लिख लो, यहाँ माइनस लिख लो, कुल एनर्जी माइनस ई नॉट लिखा ही है, माइनस हो गया। चलो अब देखो, ध्यान देना, ये 27 है और ये 3 है, डिफरेंस हो जाएगा 24 ई नॉट, और ये किसके इक्वल है, मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, लिख सकते हैं ना, पी इक्वल्स टू एच बाई लेमडा, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, वहां से तो P क्या हो जाएगा, 24 E नॉट बाई C। ये समझ में आ रहा है ना, E को हम लोग एच सी बाई लेमडा और P को एच बाई लेमडा जो लिखते हैं, ठीक है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो इसके लिए 9th का आंसर हमारे पास मिल गया, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा 4th वाला। अब यहीं पर 10th में देखो क्या लिखा है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, रेडियस यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन के बदले 2 पुट कर दो, 2 आर नॉट बाई 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 आर नॉट बाई 9, यानी कि फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे।
अब है सेक्शन बी, इसमें देखो एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 10 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वन में लिखा है न्यूट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई कोलाइड्स हेड ऑन विद अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एक न्यूट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एटम है, दोनों का मास लगभग लगभग इक्वल ही हुआ। विच इज इनिशियली एट रेस्ट बट फ्री टू मूव, अज्यूम द मास ऑफ न्यूट्रॉन टू बी इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यूज द एनर्जी ऑफ nth स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या क्या लिखा है देखो, E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका 1/4 टाइम्स, फिर E3 के लिए 9 टाइम्स, 1/9 टाइम्स कर देते हैं ना, 1.54। इसी तरीके से E4 दिया तो नहीं है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसको 16 से डिवाइड कर देना, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। चलो जो भी है, लिखा है वेदर कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन दे कैन बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी पार्टिकल्स। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चों, एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो जब कभी भी इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं होगा, एटम्स में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन के बाद क्या हुआ, जितना एनर्जी का लॉस हुआ वो एनर्जी कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेशन में, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अब देखो चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हमें चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, कोलिजन विल बी इलास्टिक इफ़ ई इज़ लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले हम लोग चेक करें कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ। अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन की बात करते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आया इससे टकराया, टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलने लग गए, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, और मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला हाफ m1 + m2 इंटू u1 - u2 का स्क्वायर। फिर यहाँ 1 - e² भी आता है, लेकिन e की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, m/2, तो m/4 v² इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। अगर पहले से एनर्जी k है तो k/2 मैक्सिमम लॉस, ठीक है बच्चों। अब ये जो लॉस इन एनर्जी है, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होगा तभी इन इलास्टिक कोलिजन हो पाएगा, यानी एक्साइटेशन हो पाएगा, फॉर एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा किसी हायर एनर्जी लेवल में अगर काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो इससे, इसके इक्वल या इससे ज़्यादा हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k/2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, k शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे ज़्यादा हुआ तब तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर एनर्जी इससे कम या कम रहा तो इलास्टिक कोलिजन होगा। पहले में क्या लिखा है, द कोलिजन विल बी इलास्टिक इफ ई इज लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही लिखा ना, कि अगर इससे कम एनर्जी है तो मैक्सिमम लॉस जो है वो कभी भी 10.2 हो ही नहीं पाएगा, मैक्सिमम लॉस भी। तो जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जा नहीं पाएगा, एनर्जी का लॉस होगा नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन, पहला ऑप्शन करेक्ट है।
सेकंड में लिखा है इफ ई इज इक्वल्स टू 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम मे गेट एक्साइटेड टू एन इक्वल्स टू फोर, फोर्थ ऑर्बिट के लिए। देखो तो कितना डिफरेंस होगा, एक बार निकालो तो डेल्टा ई 13.6 में से 18.5 को माइनस करते हैं, 8.85 को, तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5 15 माइनस 8 7 यहाँ पर 2 डेल्टा ई। अगर फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर गया तो कम से कम इतना एनर्जी तो चाहिए होगी, और ये आप k बाई 2 के इक्वल लिखोगे, k कितना आ जाएगा इसका 2 टाइम्स 5 हो गया 1 25.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम 25.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए तभी फोर्थ ऑर्बिट में ये जंप कर पाएगा। जबकि क्वेश्चन में देखो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, ई 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इससे कम है यानी जंप ही नहीं कर पाएगा, और जब जंप नहीं कर पाएगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा, तो दूसरा गलत है, लिखना ही नहीं है। तीसरे में देखो क्या लिखा है, इफ ई इज लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उस कंडीशन में क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर इक्वल मासेस के बीच हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि पहले हाइड्रोजन एटम रेस्ट में था, न्यूट्रॉन मूव कर रहा था, बाद में न्यूट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम मूव करने लग जाएगा। तो इसमें लिखा है न्यूट्रॉन विल बिकम्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बिकम जीरो आफ्टर द कोलिजन, सही लिखा है। फोर्थ में देखो क्या है, अगर ई 20.4 से ज़्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तब तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा बच्चों, तब दोनों को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, तो फोर्थ गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। देखो बच्चों सेकंड में क्या लिखा है, द एंड ऑफ अ लॉन्ग होमोजीनस बार मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बार ड्यू टू कंडक्शन और रेडिएशन, ठीक है, यानी कि साइड वाइज कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा। द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट डिस्टेंस ऑफ द बार व्हेन इट हैज अटेंड स्टेडी स्टेट इज शोन हियर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब पहले देखें ग्राफ कैसा दिया है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर डिस्टेंस, फ्रॉम हॉट एंड, यानी आप इस तरफ एक्स मान लो, इस तरफ टेम्परेचर टी या थीटा मान लो कुछ भी, ठीक है ना, टी मान लेते हैं अभी। तो अब देखो जरा ये जो ग्राफ है इसमें स्लोप क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, स्लोप नेगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जा रहा है, तो ये टर्म जो है ये इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। तो पहला ऑप्शन में लिखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट, सही लिखा है बच्चों, टेम्परेचर ग्रेडियंट तो बदल रहा है। सेकंड में लिखा है द बार हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करते हैं, स्टेडी स्टेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीट करेंट जो कांस्टेंट है इसको माइनस के डी टी बाई डी एक्स इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब माइनस साइन तो अलग चीज़ है, देखो बच्चों माइनस डी टी बाई डी एक्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम लोग
ये लिख पाएंगे के ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय के इंटू मॉड ऑफ डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, डी टी बाई डी एक्स का मॉड ये बढ़ता जा रहा है तो एरिया घटता जाएगा, यानी जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ। तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा था क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज, एक्चुअली क्या है डिक्रीजेज, तो थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ में लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम हॉट एंड इंक्रीजेज, ठीक है ना, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट और फोर्थ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में दो ग्राफ दिए हुए हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहला ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है और दूसरा ग्राफ यहाँ पर एन नॉट है, ये टाइम टी टू, टी टू टाइम में ये नाइन एन नॉट बाई टेन ऐसा लिखा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, देखो क्या लिखा है। इन अ रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस ए डीकेज टू बी, यानी ए डीके हो रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है बी, तो बी का नंबर देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ए का नंबर घटता जा रहा है एक्टिव न्यूक्लियाई का। द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी वर्स ए एंड बी वर्सेस टाइम इज गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। टी वन टी टू के बीच रिलेशंस दिए हुए हैं, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो एन ए इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब एन नॉट के बदले हम लोग एट लिख दें, एन नॉट बाई एट, ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू सिक्स क्या हो जाएगा माइनस एट माइनस लैम्डा सिक्स, माइनस से माइनस कैंसल, लॉग एट बाई सिक्स एक रिलेशन ये आ गया इससे। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो तो यहीं पर एन नॉट बाई फाइव इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी वन, एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा फाइव टू द पावर माइनस वन, माइनस माइनस कट जाएगा लॉग फाइव, लॉग फाइव बाई लेमडा ये हो जाएगा टी वन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं नाइन एन नॉट बाई टेन, इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। इसी से डीके हो रहा है ना, तो लेमडा तो वही हो जाएगा, जितना डीके हो गया वो भी बन गया, बस इतना ही है। एन नॉट से एन नॉट कट गया, इसको इधर लिया वन बाई टेन, तो e टू द पावर माइनस लेमडा टी टू ये हो गया वन बाई टेन, टेन टू द पावर माइनस वन लॉग लगा देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा टी टू हो जाएगा लॉग टेन बाई लेमडा। चलो टी वन मिल गया टी टू मिल गया और लेमडा मिल गया, अब बहुत सिंपल हो गया बच्चों, अब सिर्फ वैल्यूज को पुट करते जाना है और चेक करते जाना है, ठीक है। तो जब आप पुट करोगे T1 और T2 का डिफरेंस निकालोगे, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये 2 सेकेंड आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट। फिर थर्ड में लिखा है T1 इज इक्वल्स टू 2 लॉग 5 बेस 2, आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर लॉग 8 लिख दोगे ना ऊपर 6 तो क्या हो जाएगा लॉग 5 बाय लॉग 8 इंटू 6, इसको हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा log 5 by 2, ये तो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, तो 3 log 5 बेस 2, थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा, इसी तरीके से फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ ये कैसे आया, एक फॉर्मूला होता है log x बेस a डिवाइडेड बाय लॉग वाई बेस बी, बेस ए, बेस दोनों का सेम है, ठीक है। तो
तो ये फॉर्मूला हो जाता है लॉग एक्स बेस वाई, यही फार्मूला यूज़ किया बस। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फोर, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑर्बिट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी, क्या होता है एन टाइम्स ऑफ एन एच बाई टू पाई, ऐसा लिखते हैं ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, अब चेंज तो एक एन वन दूसरा एन टू मान लो, तो डेल्टा एल को आप क्या लिख सकते हो, एन वन माइनस एन टू या एन टू माइनस एन वन लिख दो, एच बाई टू पाई, ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो या तो इसका एक एक से गुना कर दो, या दो से गुना कर दो, या तीन से गुना कर दो, इस तरीके से आता जाएगा, है ना। देखो ऑप्शन में पहले में लिखा है एच, एच का मतलब इसको टू पाई से गुना किया होगा, टू पाई इंटीजर नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा है एच बाई पाई, दूसरा हो सकता है। तीसरा लिखा है एच बाई टू पाई, ये भी हो सकता है। चौथे में लिखा है एच बाई फोर पाई, फोर पाई का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया होगा और हाफ इंटीजर नहीं है, इसलिए फोर्थ आंसर नहीं होगा, सिर्फ सेकेंड और थर्ड। ठीक है, सिंपल है ये तो क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में आ जाओ। देखो बच्चों, फिफ्थ में क्या लिखा है, वन मोल ऑफ अ मोनोएटमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस सोन इन द फिगर वेयर वी इज वॉल्यूम एंड टी इज टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर ट्रू, कौन सा सही है। पहले जो ग्राफ दिया ना, वो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों। ऐसे ग्राफ दिया है, यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर टेम्परेचर है। ठीक है, वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, बस इतना ही लिखा है। पहले ऑप्शन में देखो बच्चों क्या लिखा है, प्रोसेस वन इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ग्राफ, नहीं है ना, तो आइसोकोरिक तो है नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरे में लिखा है प्रोसेस टू, इन प्रोसेस टू गैस एब्जॉर्ब्स हीट, प्रोसेस टू में डेल्टा यू जीरो है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, तो वो हीट एब्जॉर्ब किया होगा, सेकंड सही हो गया। तो देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर टू हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, इन प्रोसेस फोर, प्रोसेस फोर गैस रिलीजेज हीट, टेम्परेचर कांस्टेंट है जबकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव है, डेल्टा यू जीरो, वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये जीरो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव, हीट रिलीज किया होगा ना कि एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, नेगेटिव है ना, तो रिलीज किया, थर्ड में यही लिखा है रिलीजेस, थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ में देखो तो क्या लिखा है,
प्रोसेस वन एंड थ्री आर नॉट आइसोबैरिक। सही है, आइसोबैरिक तो होगा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये भी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है, इन अ रेडियो एक्टिव डिके चेन थोरियम न्यूक्लियस डिकेज टू प्लम्बम न्यूक्लियस, यानी लेड के न्यूक्लियस में डिके हो रहा है। लेट एन एल्फा एंड एन बीटा बी द नंबर ऑफ एल्फा एंड बीटा माइनस पार्टिकल्स रेस्पेक्टिवली इमिटेड इन दिस डिके प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी हमें एन एल्फा और एन बीटा बताना है। देखो बच्चों, पहले था थोरियम 90 to 32, बाद में क्या बन गया, बहुत सारे प्रोसेस के बाद मान लेते हैं एक्स अल्फा और वाई बीटा, इतना डिके हुआ, ठीक है ना। उसके बाद ये लेड बन गया 82 और 212। देखो बीटा के एमिशन से मास पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ 232 था, यहाँ 212 हो गया, कितने का डिफरेंस आया, 20 का। कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, 5 अल्फा पार्टिकल, तो एन अल्फा हो गया 5, ठीक है। अब हर एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर में, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दो कम होना चाहिए, तो 5 × 2 = 10, 90 है, यहाँ 80 होना चाहिए, है कितना 82, 82 का मतलब दो बढ़ गया। हर एक बीटा माइनस पार्टिकल के एमिशन पे एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ता जाता है, यानी कि दो बीटा पार्टिकल इमिट हुए होंगे, y की वैल्यू 2, n बीटा की वैल्यू 2, ठीक है ना बच्चों। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, सिक्स्थ का फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा। अब हम लोग सेवन्थ में आते हैं। देखो बच्चों, सेवन्थ में क्या लिखा है, अ मेजरिंग रॉड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इज कैलिब्रेटेड टू बी यूज एट टेम्परेचर 2T0, अल्फा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये गिवन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स एज मेजर्ड बाय दिस रॉड एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस एंड 3T degree Celsius आर L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, देन ट्रू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज नियरली। देखो ध्यान देना बच्चों, एक्चुअली वो 2T0 पर रीड कर रहा है, एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, कम हो गया ना, टेम्परेचर कम हो गया, रॉड श्रिंक हो जाएगा, जो एक्चुअल है उससे ज़्यादा वो रीड कर रहा होगा, ठीक है। तो एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 × 1 − α δt, ये समझ में आ रहा है, डेल्टा टी तो टी है, माइनस क्यों हुआ इसको एक बार समझ लो, ठीक है, क्योंकि टी टेम्परेचर है ना, टी टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं जो कि L1 है, तो एक्चुअल टेम्परेचर कितना था, 2T0, जिस पर ये करेक्ट रीड कर रहा था। देखो बच्चों, जो मटेरियल है ना उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये नहीं बदल रहा, ये नहीं बदल रहा, जो रॉड था उसका ग्रेजुएशन पहले ज़्यादा दूर दूर था, ऐसे अब क्या हो गया, पास पास, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ग्रेजुएशन पास पास हो जाएगा, और पास पास होने के कारण जो एक्चुअल लेंथ है उससे ये ज़्यादा रीड कर रहा होगा, रीड कर रहा है ज़्यादा, ठीक है ना, कितना ज़्यादा रीड करेगा, देखो तो अगर ये L0 है तो L0 × 1 + α δt,
इतना रीड कर रहा होगा, तो हम लोग एल नॉट को क्या लिख सकते हैं, एल वन बाय वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, यानी एल वन इंटू वन माइनस एल्फा टी। ये समझ में आया, सीधी सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर 3T पर। फिर से टेम्परेचर डिफरेंस टी का ही है, 2T से टी ही बढ़ा है, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ गया तो ये जो मेजरिंग डिवाइस था ना वो उसका लेंथ बढ़ गया, तो एक्चुअल लेंथ से कम रीड कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ L2 लिख देंगे, तो L2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस L2 इंटू 1 प्लस एल्फा टी इक्वल्स टू एल नॉट। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है, माइनस आएगा, यहाँ L2 आएगा, नीचे आ गया, जब आप ऊपर पावर माइनस वन करोगे ना। ये समझ में आया कैसे हुआ। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एल नॉट क्या हो जाएगा, एल टू इंटू वन प्लस एल्फा टी, सिंपल है। तो इस तरीके से इसका सेकेंड और थर्ड दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। या तो आप एक ही फार्मूला यूज़ करो, ठीक है, जैसे एल टू वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसी में एक बार टी को पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिख देंगे, मतलब डेल्टा टी एक बार क्या है, प्लस टी एक बार माइनस टी। तो उस तरीके से भी डायरेक्ट एक ही फार्मूले से दोनों भी आंसर आ जाएगा, मर्जी आपकी, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखो 8 में क्या लिखा है, अ वेसल इज पार्टली फिल्ड विद लिक्विड, व्हेन द वेसल इज हीटेड द अनऑक्यूपाइड स्पेस इन द वेसल डिक्रीजेस, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज वी एल, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज वी वी, द कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द वेसल इज गामा वी एंड दैट ऑफ लिक्विड इज गामा एल, सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन। देखो बच्चों ध्यान देना, पहले मान लेते इतना लिक्विड है, इसको वी एल कह दो, पूरा जो वॉल्यूम है उसको वी वी कह देते हैं। अब ये जो खाली सा स्पेस है ना वो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, बाद में जब हीट करें तो ये स्पेस कम हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड किया होगा, सिंपल सी बात है। एक्सपेंड तो दोनों करेगा, वेसल भी एक्सपेंड किया और लिक्विड भी एक्सपेंड किया, लेकिन लिक्विड के में एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि गामा एल ये ग्रेटर होगा गामा वी से, एक रिलेशन, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, सेकेंड इनकरेक्ट होगा। अब थर्ड फोर्थ में हमें चेक करना है गामा वी और गामा एल का रेशियो, ये वॉल्यूम के रेशियो से ज़्यादा है या कम। देखो बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो वी वी डैश और वी एल डैश इन दोनों का डिफरेंस होगा नए टेम्परेचर पर अनऑक्यूपाइड स्पेस, और ये लेस देन वी वी माइनस वी एल है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अनऑक्यूपाइड स्पेस डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी वी इंटू वन प्लस गामा वी डेल्टा टी माइनस वी एल इंटू वन प्लस गामा एल, ये एल लिखा है, डेल्टा टी लेस देन वी वी माइनस वी एल, ठीक है बच्चों। अब देखो जब आप ब्रैकेट तोड़ोगे ना, वी वी और वी एल कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वी वी गामा वी इंटू डेल्टा टी शुड बी लेस देन, ये नेगेटिव वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, वी एल गामा एल डेल्टा टी, फिर से डेल्टा टी कट जाएगा, तो वी वी बाय वी एल शुड बी लेस देन, उल्टा हमें वॉल्यूम गामा का चाहिए ना, एक काम करो गामा को इधर ले आओ, ठीक है, जो ऑप्शंस हैं उसमें गामा वी ऊपर है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा वी बाय गामा एल शुड बी लेस देन वी एल बाय वी वी, ठीक है। लिक्विड का वेसल कम है, लिक्विड का वॉल्यूम वेसल का वॉल्यूम ज़्यादा है, ये भी एक से कम ही होगा।
तो अब हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें थर्ड ऑप्शन में ऐसा लिखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के दो आंसर्स करेक्ट हैं, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो बच्चों, नाइन्थ में क्या लिखा है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सच दैट वी टी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिखा है नाइन्थ क्वेश्चन में। वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। अब इस प्रोसेस के लिए पहले ऑप्शन में लिखा है व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द गैस इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। सेकेंड में लिखा है कॉफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज -2/T। थर्ड में लिखा है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इज 2R। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द गैस इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो हम लोग चेक करते हैं कि हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा। देखो बच्चों, अगर आप कंपेयर करो इसको ऐसे लिख सकते हो टी वी टू दी पावर 1/2 है ना, स्क्वायर रूट अगर कर देंगे दोनों तरफ, ये भी तो कांस्टेंट ही होगा। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी गामा नहीं कुछ और मान लेते हैं अल्फा, अल्फा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, कंपेयर कर लो जरा, अल्फा -1 ये किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल हो गया, अल्फा 3/2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग सी की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो सी वी प्लस आर बाई होता है ना माइनस फिर गामा -1 1 - अल्फा, ऐसा लिखते हैं। मोनोएटॉमिक है या डायटॉमिक देख लें एक बार ना सी वी के लिए। क्वेश्चन में लिखा है मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस का मतलब आप सी वी को क्या लिखोगे, 3/2R, और यहां पर ये हो जाएगा 1 - 3/2, तो 2 माइनस में आ जाएगा 2R है ना, ये 2 पर चला जाएगा, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, तो ये माइनस आ गया। अब अगर आप सॉल्व करते हो तो -R/2 आता है। देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे हीट एनर्जी उसके लिए विड्रॉ करना पड़ेगा, अगर हीट एनर्जी सिस्टम को देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। अब सी नेगेटिव है तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये मैं कह रहा हूँ। पहले ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द गैस यानी पॉजिटिव टेम्परेचर विल इंक्रीज, ये नेगेटिव होना चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। और ऐसा फोर्थ ऑप्शन में लिखा है तो नाइन्थ का फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड में देखो, थर्ड में मोलर हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करना था, वो है -R/2, यानी थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सेकेंड अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, सेकेंड में लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस। वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी। अब देखो जो रिलेशन दिया है वी टी टू द पावर 2, इसको एक इक्वेशन मान लो है ना, वी टी टू द पावर टी इक्वल्स 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आप चाहो तो डिफ्रेंशिएट कर दो या एरर का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, मैं यहाँ पर एरर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, 2 ∆t/t इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके भी ऐसा ही आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो अगर आप डेल्टा वी बाय वी को -2/t इंटू डेल्टा टी लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको इधर ले आओ, डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -2/t, ये हो गया गामा, तो गामा की वैल्यू -2/t। और ऑप्शन नंबर सेकंड
इसमें भी यही लिखा है, तो नाइन्थ का सेकेंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टेंथ क्वेश्चन में। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या लिखा है, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड। टू पर्सन्स ए एंड बी यूज दिस वॉच टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। पर्सन ए टेक्स द टाइम पीरियड ऑफ 30 ऑसिलेशंस एंड पर्सन बी टेक्स द टाइम पीरियड ऑफ 50 ऑसिलेशंस। नेग्लेक्टिंग ऑल अदर सोर्सेज ऑफ एरर वी कैन से दैट ए है वो 30 ऑसिलेशंस के लिए ऑब्जर्व कर रहा है और बी 50 ऑसिलेशन के लिए। जाहिर सी बात है कि ए के लिए एक्यूरेसी कम होगा, बी के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी और एरर जो है वो ए में ज़्यादा होगा। बस पहले ऑप्शन में लिखा है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ वन टाइम पीरियड ऑफ ए इज ग्रेटर। सही लिखा है ना, ठीक है, एरर इसमें ज़्यादा हो जाएगा ए में और बी में एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड में लिखा है एरर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ वन टाइम पीरियड ऑफ ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। गलत लिखा है। थर्ड में है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ वन टाइम पीरियड बाय बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सी। क्योंकि बी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए ऑब्जर्व कर रहा है तो बी में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ये भी सही लिखा है। फोर्थ में लिखा है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ वन टाइम पीरियड बाय ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। गलत लिखा है ना। अब सेक्शन डी में आ जाते हैं बच्चों। सेक्शन बी हो गया, अब सेक्शन डी। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m दिया, जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखते जाते हैं। ठीक है, m की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 2 ± 0.02 किलोग्राम, a की वैल्यू है 5 ± 0.05 सेंटीमीटर, बी है 7 ± 0.07 सेंटीमीटर। बस इतना ही दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ए नॉट प्लस माइनस बी नॉट इंटू 10^-2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड इनर रेडियस r, इनर रेडियस a दिया हुआ है, आउटर रेडियस b, विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फॉर्म में दिया है, ए नॉट प्लस माइनस बी नॉट इंटू 10^-2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, इसको बदलने की जरूरत नहीं, यूनिट को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, अब हमें बताना है बी नॉट बाई ए नॉट की वैल्यू। इंटीजर टाइप है, ऐसा एक डिस्क बन गया, इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी, ठीक है ना। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, फॉर्मूला एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें, एम की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 7, 49 हो जाएगा ना, 49 या 74 आ जाएगा, आ गया 74। ठीक है, ऐसा यूनिट यही होगा केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में नहीं, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम लोग एरर की बात करते हैं, जिससे ये बी नॉट मिलेगा, ये ए मिल गया हमें, एम के बदले डेल्टा एम लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एम बाई 2 को रहने दो, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2a डेल्टा a और 2b डेल्टा b, 2 को बाहर ले लिया, 2 से 2 कट गया। ठीक है बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब देखो डेल्टा m की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 इंटू 10^-2
ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 बी स्क्वायर 49 बाई टू, एम के बदले फिर से टू पुट करेंगे, ए के बदले 5 और डेल्टा ए है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 को अलग ले लेते हैं कॉमन। फिर देखो बी में ये भी 7 और ये भी 7, बी और डेल्टा भी, डेल्टा भी ये लिखेंगे ना, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 आ गया। देखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 74 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो बी नॉट की वैल्यू 74 इंटू 3, ए नॉट की वैल्यू 74, हमें क्या फाइंड करना है, बी नॉट बाई ए नॉट कितना आ जाएगा 3, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 3। ठीक है, इंटीजर टाइप था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर टू बी केप्ट इन इक्विलिब्रियम सच दैट इट्स वन सरफेस इज टच्ड एट द हॉरिजॉन्टल वॉल बाय इरेडिएटिंग अ पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल होल अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर डिस्क इज परफेक्टली एब्जॉर्विंग फाइंड द मिनिमम कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड बिटवीन द डिस्क एंड हॉरिजॉन्टल वॉल ऑफ फॉर दिस पर्पस इज। अब म्यू की वैल्यू कुछ गिवन है जिसमें अल्फा बीटा गामा तीन टर्म्स हैं, हमें उनका सम चाहिए। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन आप समझ लो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये एक डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, टॉप पर एक सरफेस है जिसके कांटेक्ट में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में रेडिएशन ऐसे आ रही है, जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। अब जरा ध्यान दो बच्चों, ये जो फिगर है ना, क्वेश्चन को हमें समझना होगा पढ़ करके, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यूनिफॉर्म डिस्क है और हॉरिजॉन्टल वॉल के अगेंस्ट ये इक्विलिब्रियम में है। अब सोचो कि हॉरिजॉन्टल वॉल कहाँ हो सकता है, जब नीचे से रेडिएशन आ रहा है तो टॉप पर ही तो होगा, समझ पा रहे हो क्या, कैसे मैं समझाऊं, चलो ये समझ लो, ये जो सर्कुलर सरफेस है ना बच्चों, ये सरफेस है, ये डिस्क बहुत थिन है और टॉप से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे करके कॉन्टेक्ट में है, समझ पा रहे हो, ये टॉप से, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर इस पर रेडिएशन लगेगा डिस्क इधर जाना चाहेगा, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है जो इसको इधर जाने से रोक रहा है। तो ये चीज़, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कंडीशन में जो सिचुएशन दिया है वैसा हो सकता है। ठीक है, जी डाउनवर्ड लग रहा है, बस अब ध्यान देना बच्चों, अगर आप ऐसे एरिया फाइंड करोगे, ये एरिया ए है, ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसको हम लोग ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, एरिया इसके परपेंडिकुलर, जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ उसके परपेंडिकुलर, रेडिएशन की इंटेंसिटी आई मान लेते हैं, ठीक है, कुछ गिवन नहीं होगा क्योंकि आई के टर्म में दिया हुआ है। अब ध्यान देना, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों, एक बार अच्छे से समझना, ये डिस्क है, ठीक है, थीटा, थीटा को कहीं और लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखो ध्यान देना बच्चों, एक तो इस पर एम जी लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर कांटेक्ट में है तो ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स भी लग जाएगा, ठीक है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, देखो क्या फोर्स लगेगा, आई ए कॉस थीटा बाई सी,
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, हम लोग इस कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, आई ए कॉस थीटा बाई सी है ना बच्चों, आई ए कॉस थीटा बाई सी का कॉस यहाँ पर कॉस में आएगा कंपोनेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे आई ए कॉस थीटा बाई सी इसका साइन। ये समझ में आया, जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो उसके लिए जो हम लोग फोर्स लिखते हैं जनरली आई ए बाई सी होता है ना, ठीक है, पी बाई सी लिखते हैं, पी क्या है पावर आई ए बाई सी। अब यहाँ पर एरिया क्या था, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट एरिया का लिया ए कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स मिल गया, उसके दो कॉम्पोनेंट ले लिया। अब देखो ध्यान देना, ये जो कॉम्पोनेंट है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, उसको बैलेंस करने के लिए इसके टॉप सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन से कम ही होगा। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो हम लोग नॉर्मल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इधर लिख देते हैं और इस तरफ फ्रिक्शन का लिख लेंगे, नॉर्मल प्लस एम जी वो इसके इक्वल है, तो आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी माइनस एम जी, ये नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा बच्चों। कॉस थीटा अगर आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं आई ए बाई टू सी माइनस एम जी, नॉर्मल मिल गया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है तो, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल से कम होनी चाहिए, यानी कि आई ए साइन थीटा कॉस थीटा बाई सी शुड बी लेस और इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, दिख रहा ना यहाँ तक? ठीक है, फिर से देखो बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा ये तो दोनों का, दोनों अगर आप 45 डिग्री पुट करोगे तो 1/√2 यानी 2 ही हो जाएगा, आई ए बाई टू सी शुड बी लेस और इक्वल्स टू म्यू, नॉर्मल के बदले क्या लिखेंगे आई ए बाई टू सी माइनस एम जी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया हुआ है, आई इंटू एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर एम जी सी। ठीक है, आप एक काम करो एलसीएम ले लो, आई ए लेस और इक्वल्स टू म्यू इंटू आई ए माइनस एम जी सी, हो गया, टू से टू कट जाएगा, ये टू सी। अब म्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू आई ए डिवाइडेड बाय आई ए माइनस एम जी सी, लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जब आप इसको इक्वल करोगे आई की वैल्यू, देखो म्यू मिनिमम, मिनिमम ही तो फाइंड करना है ना, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखो क्या लिखेंगे, आई को हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं इंटू आई, ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू आई, फिर से यहाँ पर आई है इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एम जी सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 आएगा ना, 2 छूट गया, 2 एम जी सी। अब देखो इस जगह क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर यहाँ लिखा है बीटा, बीटा भी 1, फिर यहाँ लिखा है गामा, गामा की वैल्यू 2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 1+1+2 यानी कि 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 4th। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो क्या लिखा है, टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू हीट बाथ्स कैप्ट एट टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू 300 केल्विन एंड T2 इक्वल्स टू 100 केल्विन एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर। देखो रेडियस दोगुना है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 गुना होगा, सिंपल। एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सिलेंडर्स आर K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली,
इफ द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ टू सिलेंडर इन द स्टेडी स्टेट इज 200 केल्विन देन K1 एंड by K2 इज इक्वल्स टू. हमें क्या करना है बच्चों, पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, ऐसा फिगर गिवन है, यहां पर टेम्परेचर T1, यहां पर टेम्परेचर T2, इसके लिए K1, यहां पर K2, और ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है, यहाँ पर कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा. ठीक है, इसके लिए अगर आप एरिया ए लिखोगे तो यहाँ पर एरिया 4A हो जाएगा क्योंकि रेडियस डबल था. अब ये कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 300, ये कितना दिया हुआ है 100, ठीक है ना, T2 100 और जंक्शन का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 200 केल्विन इतना दिया है. अब हमें क्या चाहिए, K1 और K2 का रेशियो चाहिए. सिंपली हम लोग हीट करंट को इक्वेट कर देते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 200 इंटू K1 एरिया ए डिवाइडेड बाय लेंथ L, दोनों का लेंथ सेम है, ये फिगर में गिवन है, ये भी L ये भी L, तो फिर 200 माइनस 100 इंटू K2 एरिया को 4A लिख देते हैं अपॉन L. ये भी डिफरेंस 100 है, ये भी डिफरेंस 100 है, कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो K1 इज इक्वल्स टू 4K2. हमें क्या चाहिए बच्चों, K1 बाई K2 चाहिए जो 4K इक्वल हो जाएगा, यानी थर्ड का भी आंसर क्या होगा 4. अब आगे बढ़ेंगे. अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4. देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज बी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी बाई डी वी. ठीक है, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द वेरिएशन ऑफ बल्क मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर एन फॉर आइडियल गैस एन इज इक्वल्स टू. देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोग पढ़ते हैं कि एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस क्या होता है, गामा पी, और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस वो बी होता है, पी. कैसे होता है वो मैं लिख के आपको समझा देता हूँ. पी वी टू दी पावर गामा को कांस्टेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट अगर करोगे तो डी पी बाई डी वी इंटू वी टू दी पावर गामा प्लस पी, यहाँ प्रोडक्ट उल लेंगे ना, गामा वी टू दी पावर गामा माइनस वन जीरो. अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये जो टर्म है माइनस वी डी पी बाई डी वी, ये गामा पी आ जाएगा यानी पी टू दी पावर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1. ये फोर्थ का आंसर हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चों. देखो फिफ्थ क्वेश्चन में अब क्या लिखा है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट 500 केल्विन इज केप्ट इन एन एडियाबेटिक रिजिड कंटेनर आफ्टर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट 1 मोल ऑफ द गैस डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एटम्स. इसका मतलब पहले 4 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स था, H2 था, उसके बाद 3 मोल्स तो H2 रह जाएगा और 1 मोल था हाइड्रोजन H2, वो 2 मोल हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, समझ गए. ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, द डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 200 कैलोरी. लेट द न्यू टेम्परेचर ऑफ द गैस बी 100 T, वेयर T इज एन इंटीजर अप्रोक्स, यानी एग्जैक्टली ये 100 इंटू टी के एग्जैक्टली नहीं आता, आसपास आता, जो भी हम लोग चेक करेंगे ना, हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए टी का, बस इतना ही है. टी अगर जैसे मान लो 2.5 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसा तो आएगा नहीं, चेक कर लेते हैं. चलो फाइंड टी फाइंड करना है और आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चों.
पहले इनिशियल एनर्जी था यू आई, बाद में क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, तो एक तो डिसोसिएशन का एनर्जी होगा और दूसरा फाइनल इंटरनल एनर्जी भी होगा, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन में कितना लिखा है पर मोल 200 कैलोरी, ठीक है। अब एक मोल ही टूटा है तो एक मोल के लिए 2000 लिखा है, 2000 ही लिखेंगे। यू इनिशियल कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, 5/2 एन आर, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 500, आर के बदले 8 ही लिख देते हैं ना, क्वेश्चन में 2 लिखा है, आर के बदले 2 ही लिख दो कैलोरी में, ठीक है। फिर फाइनली देखो बच्चों, अब ये तो 3 मोल ही रह जाएगा H2, टेम्परेचर वही है, डिसोसिएटेड, न्यू टेम्परेचर विल बी, न्यू टेम्परेचर क्या है T, ये T तो हमें फाइंड करना है ना। फिर उसके बाद अब जो डिसोसिएट हो गया, एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो 2 मोल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने क्या लिख दिया बच्चों, 3/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिखते ना, एन एफ बाई टू या एफ बाई टू एन आर टी, इंटरनल एनर्जी को तो एफ पहले 5 लिखा था, डायटोमिक था, अब मोनो एटॉमिक हो गया। और कितने मोल्स होंगे, 3 मोल थे, एक मोल डिसोसिएट होकर 2 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, आर के बदले 2, टेम्परेचर टी प्लस 2000, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर भी कट गया, कितना हो जाएगा 25 एक तो ये 20 है, फिर 210 हो जाएगा, 10,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 3 15 प्लस 3 2 60, आप लिख सकते हो 8,000 डिवाइडेड बाय 21, तो लगभग लगभग ये किसके इक्वल आ जाएगा, 400 के आसपास आ जाएगा क्या, नियरली इक्वल्स टू 400। तो इसको अगर हम लोग 4 × 100 लिख दें, ठीक है ना, टेम्परेचर जो है फाइनल टेम्परेचर 100 T है, तो 100 T का मतलब 4 × 100, तो T की वैल्यू क्या होगी, 4। फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, 4th, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। देखो बच्चों, 6th क्वेश्चन में लिखा है, लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70°C टू 60°C इन 5 मिनट्स, फाइंड द टाइम इन मिनट्स इन नियरेस्ट इंटीजर इन विच इट विल फर्दर कूल डाउन टू 50°C इफ द सराउंडिंग इज हेल्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 30°C। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पर है बेस्ड, क्या लिख देंगे, 70 से 60 हो रहा है 5 मिनट में, माइनस के होता है, के की वैल्यू आप यहाँ पर, ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल था ना, हमने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिवाइड करोगे 70 + 60/2 -30, ये एक इक्वेशन आया, दूसरा आप 60 से 50 होना है, ठीक है ना। अब टाइम टी हमें फाइंड करना है फिर से मिनट में ही, 60 + 50/2 एवरेज टेम्परेचर 30, दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को डिवाइड करना, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू 7 मिनट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, सिंपल है, ठीक है बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो बच्चों, 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स टू फोर्थ ऑर्बिट में है, व्हेन इट जंप्स बैक टू द एनर्जी लेवल अ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, टोटल नंबर दैट मीन्स मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम वुड बी, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 6 किया होगा, है ना, n × n-1/2,
यहाँ क्वेश्चन में बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा, इन एन एटम, एक ही एटम है, कोई पूरा सैंपल नहीं है, अगर एक ही एटम है, फॉर सिंगल एटम, तो सिंगल एटम में कितना हो सकता है, देखो फोर्थ ऑर्बिट में है, एक दो तीन, अधिक से अधिक तीन हो सकते हैं, अगर यहां से आया फिर सीधा यहां आ गया तो दो ही होगा, डायरेक्ट आ गया तो एक ही होगा, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें, थ्री हो सकते हैं, यहां आप n इंटू एन माइनस वन बाई टू फॉर्मूला यूज नहीं करोगे क्योंकि पूरा का पूरा सैंपल नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था ये, जानबूझकर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, ज्यादा और कुछ खास नहीं, हालांकि सिंपल है। 8 में लिखा है द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स रेस ऑफ टू मेटल्स ए एंड बी आर 4/1875 एंड 1/675। ठीक है, रेस्पेक्टिवली दोनों के लिए लैम्डा दिया हुआ है, के अल्फा और के बीटा का, वेयर आर इज रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इज, यानी एटॉमिक नंबर अगर हमें पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इनके बीच कितने एटम्स होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। देखो बच्चों फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखेंगे, 1/लैम्डा, ठीक है, आर जेड माइनस वन, अल्फा है ना तो जेड माइनस वन ही लेंगे, जेड माइनस वन का स्क्वायर और फिर यहां पर 1/n1² 1/n2² ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब लिखा है के अल्फा, के अल्फा का मतलब यहां पर 1 और यहां पर 2, तो एक काम करो लिख ही दो 1-1/4 यानी कि 3/4, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 1/λ = 3r(z-1²/4, λ = 4/3r(z-1²). अब बारी बारी से हम लोग a और b के लिए पुट करते हैं, लेमडा a कितना दिया है? देखो तो बच्चों 4/1875r(4/3r)(z-1²). r से r कट गया, 3 से ये 625 टाइम्स में कट गया, यानी कि 625 को आप 25 का स्क्वायर लिख सकते हो, z माइनस वन हो गया 25, z हो जाएगा z a, ठीक है ना, a के लिए कितना आ जाएगा 26। अब इसी तरीके से दूसरा हम लोग अगर पुट कर दें, 1/675r(4/3r)(zb-1²), r से r कट जाएगा, 3 से ये कितने टाइम्स में कटेगा, 225 है ना, 3 से 225 टाइम्स में कट जाएगा, अब अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो यहां पर 15 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, जेड बी माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि जेड बी आ गया 31, तो 26 और 31 इसके बीच में कितने एटम्स होंगे, 5 होंगे क्या या 4 होंगे, एक 27 आएगा, 28, 29 और 30, बस 4 एटम्स, समझ में आया बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में,
देखो बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 90% ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज लेफ्ट ओवर आफ्टर अ टाइम इंटरवल टी, यानी टी टाइम इंटरवल के बाद 90% बाकी रहता है। फिर लिखा है परसेंटेज ऑफ इनिशियल सैंपल दैट विल डिसइंटीग्रेट इन एन इंटरवल टू टी इज, परसेंटेज में ही फाइंड करना है, एन नॉट का 90%, इसको आप क्या लिख सकते हो, एन नॉट इंटू ई टू दी पार माइनस लैम्डा टी रेडियो एक्टिविटी के लिए, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 0.9 की वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पार माइनस लैम्डा टी, एक इक्वेशन। दूसरा क्या लिखा है कि टू टी टाइम के बाद कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, एन डैश, एन डैश को हम लोग लिखेंगे एन नॉट इंटू वन माइनस ई टू दी पार, अब लैम्डा इंटू टू टी, तो एन नॉट को एन नॉट रहने देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, ये ई टू दी पार माइनस लैम्डा टी है, ये ई टू दी पार माइनस लैम्डा टी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यानी कि 0.9 का स्क्वायर, तो एन डैश हो जाएगा एन नॉट इंटू वन माइनस 0.81, तो 0.19 एन नॉट, यानी कि 19% ऑफ एन नॉट, कितना परसेंट होगा बच्चों, 19, तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा 19। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम अ गिवन सोर्स इज आई, ऑन पासिंग थ्रू 36 mm ऑफ लेड इट इज रिड्यूस्ड टू 1/8, द थिकनेस ऑफ लेड विच विल रिड्यूस द इंटेंसिटी टू 1/2 विल बी इन मिलीमीटर, 1/2 कहने का मतलब 1/2 हो गया आई बाई टू, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें बच्चों, ये ऐसा होता है आई डैश इज इक्वल्स टू आई ई टू दी पार माइनस म्यू एक्स, पहले क्या लिखा है 1/8 टाइम्स हो गया, तो आई बाई एट, इसको आई और ई टू दी पार माइनस म्यू एक्स ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ये आई से आई कट जाएगा, 1/2 टू दी पावर 3, यहां पर कितना दिया 36, आप ई टू दी पावर माइनस म्यू इंटू 12 टू दी पावर 3 लिख दो, यानी कि हाफ इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस म्यू इंटू 12, ये mm में आ रहा है, अब आई से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब कितने थिकनेस चाहिए होगा, हाफ इंटेंसिटी के लिए सिर्फ 12 mm काफी हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा बच्चों 12 mm, ठीक है। तो बस यही था इस पेपर का सॉल्यूशन, थैंक यू।